हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें आज से 10 साल पहले के वातावरण और आज के वातावरण में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। आज से 10 साल पहले तक हमें रात के समय में आसमान में काफ़ी मात्रा में तारे नज़र आते थे, पर आज वही तारे धीरे धीरे आसमान से गायब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आसमान में तारों को कम दिखाई देना हमारे वातावरण में बढ़ते पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, जिसके कारण हम तारों को ना देख पा रहे हों। या फिर ये भी हो सकता है कि पृथ्वी पर लाइट ज़्यादा होने के कारण तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही हो, या फिर ये कि हमें ज़्यादा रोशनी में रहने के कारण हमारी आँखों की देखने की क्षमता कम हो गई हो। शायद इसी कारण से हमें आसमान में तारे कम दिखाई देने लगे हों। आपको क्या लगता है कि वाकई में तारों का दिखना कम हो गया है? अगर आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा? ये तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक मरने वाले व्यक्ति के अलावा। मरने के बाद हमें पता चलता है कि हम किसी अन्य ग्रह पर सपना देख रहे हों। सपने में हमने देखा कि पृथ्वी पर हमारे 70 साल बीत चुके हैं और हमारी मृत्यु हो गई है। जब हम सपने से जागते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था, मानो तो पृथ्वी नाम का कोई प्लेनेट ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे सपने में देखी गई एक इमेजिनरी थिंकिंग थी। शायद ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के 70 साल उस प्लेनेट का कुछ ही समय हो। मानो तो हम एक सपने में हैं और मरने के बाद हमारी नींद खुलेगी और हमें पता चलेगा कि हम बस एक सपना देख रहे थे। आप या हम जब भी स्टडी करने बैठते हैं तो स्टडी करने के एक या आधे घंटे के बाद हमें 5 मिनट का रेस्ट तो लेना ही पड़ता है। बुक को खुली छोड़कर रेस्ट लेते हैं तो वापस 5 मिनट के बाद पढ़ाई करने बैठने पर हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं और दोबारा पढ़ाई करने का हमारा मन नहीं होता है। पुस्तक पढ़ने के बाद 5 मिनट के ब्रेक में पुस्तक को बंद कर दें और जब भी दोबारा स्टडी करने बैठें तो वहीं से अगर पढ़ेंगे तो हमारे माइंड को ऐसा लगेगा कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए मूंग भिगोकर खाते हो और मूंग को एक दो बार खाने के बाद मूंग हमसे खिलाती नहीं है क्योंकि मूंग का टेस्ट हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने एक साधारण सा उपाय निकाला है। आपको मूंग के उबलने के बाद मूंग में उपस्थित पानी को फेंक देना है और दूसरा पानी लेना है और मूंग और पानी को आपस में चबाकर साथ में खाना है, जिससे क्या होगा कि मूंग और पानी का टेस्ट आपस में बदलते रहेगा, जिसके कारण आपको मूंग खाने में आसानी होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे दी गई लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें।